दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल कृष्णा फैंटेसी में। एंड आज हम बात करेंगे UAE T10 मैच के बारे में जो कि यहाँ से खेला जाएगा शारजा वर्सेस एमिरेट्स ब्लूज के बीच। दोस्तों ये मैच आपके इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसे ट्रंप प्लेयर होने वाले हैं जिनका सिलेक्शन जो है वो ना के बराबर है और वही प्लेयर आपको इस मैच में आसानी से विन भी करवा देंगे। कौन से वो प्लेयर होने वाले हैं, साथ ही साथ में कौन सा बैट्समैन का बैटिंग करेगा, कौन सा बॉलर का बॉलिंग करेगा, सारा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर बात करें हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है कृष्णा फैंटेसी, आप देख सकते हो। दोस्तों इस मैच की जो फाइनल टीम है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जल्दी से आइए, लिंक पे क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। फाइनल टीम आपको यहीं पर मिलेगी। अगर मैं आपको रीसेंट मैचेस का रिजल्ट बताऊँ तो आप देख सकते हैं कल हमने तकरीबन 5 से 6 मैचेस हमने कवर करे थे दोस्तों टेलीग्राम पर, और सभी मैचेस में हमने वन साइडेडली विन कर लिया। आप यहाँ पर रिजल्ट भी देख सकते हो, इसलिए आपको बोल रहा हूँ टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। दोस्तों अगर बात करें इस मैच के लिए हमारी टीम के बारे में, तो यार उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो भी भाई नए हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए तो YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ में अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यार एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप इस वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो मुझे भी सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ अब तक आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। दोस्तों अब बात करें हमारी टीम के बारे में, तो विकेट कीपर में खलीज शाह का आपके पास ऑप्शन होने वाला है जो कि ओपन करते हुए नजर आएंगे। लास्ट मैच के बारे में बात करूँ, 26 रन इन्होंने करे, उससे पहले 1 रन करे, 41 रन इन्होंने करे, 24 रन करे, एक हार्ड हिटर बैट्समैन है, ओपन करते हुए आपको नजर आएंगे, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप इनको अपनी टीम में लेके चल सकते हैं। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ तरीक का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, अहमद तरीक भी ओपन करेंगे, प्लस विकेट कीपिंग करते तो कैचेस वगैरह पकड़ के दे देंगे। रीसेंट में 54 रन इन्होंने करे, 73 रन इन्होंने करे, 38 रन इन्होंने करे, तो परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी रही है, आप इनको भी अपनी टीम में लेके चल सकते हो। दो हमारे पास विकेट कीपर फिलहाल के लिए रहने वाले हैं क्योंकि दोनों ही ओपन करेंगे और दोनों की फॉर्म ही काफ़ी अच्छी चल रही है दोस्तों। दोस्तों बैटिंग में देखिए आसिफ का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, नंबर 4 इस मैच में आपको बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। लास्ट में 5 रन इन्होंने करे, उससे पहले 20 रन इन्होंने करे थे दोस्तों। वहीं अगर मैं यहाँ से बात करूँ, 9 रन करे, अगेन 9 रन करे, ये इनका परफॉर्मेंस रहा है। थोड़ा सा अभी रिसेंट में देखोगे ना तो परफॉर्मेंस डाउन सा रहा है दोस्तों, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। सेलेक्शन काफ़ी ज़्यादा हाई है बट आप इनको ड्रॉप करने का रिस्क लेके चल सकते हो। दोस्तों जैड खान के बारे में बात करें, ओपन करते हुए नजर आने वाले, लास्ट रन में 44 रन इन्होंने करे, उससे पहले 14 रन इन्होंने करे, 2 रन इन्होंने करे, 12 रन इन्होंने करे, 9 रन करे, 63 रन इन्होंने करे, एक हार्ड हिटर बैट्समैन है जो अगर चल जाएंगे तो आपको बड़ी पारी खेल के दे सकते हैं। मैं इनको अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ क्योंकि ओपन करेंगे तो रन बनाने का मौका भी ज़्यादा होगा, आप चाहो तो इनको ड्रॉप करके आसिफ को सेफ पिक के तौर पर रख सकते हो। दोस्तों चिराग सूरी नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे, काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है। लास्ट रन में हालांकि 0 पे आउट हो गए थे, उससे पहले 18 रन इन्होंने करे, 25 रन इन्होंने करे, 0 रन इन्होंने करे, 17 रन इन्होंने करे थे, 29 रन करे थे। रन तो कर रहे लेकिन वो एक बड़ी पारी जो है ना वो आ नहीं पा रही, तो हो सकता है ये आज का मैच इंपॉर्टेंट है, इसमें बड़ी पारी आ जाए, इसलिए मैं इनको अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ। ऑप्शन में डिसूजा का आपके पास ऑप्शन होने वाला है दोस्तों, बट बैटिंग ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा नीचे रहेगा, T10 के अकॉर्डिंग काफ़ी नीचे हो जाती है इतनी बैटिंग, तो आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हो। आर गणेश के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, नंबर 5 बैटिंग करते हैं, लास्ट मिनट में 40 रन करें, उससे पहले 4 मैचेस के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो वहां पे परफॉर्मेंस इनका नहीं रहा था, तकरीबन 20 रन उन 4 मैचेस में करे थे। एज ए फिनिशर के रूप में खेलते आप ट्राई कर सकते हो अगर पहले इनकी टीम बैटिंग करती है तो। दोस्तों अगर आप ग्रैंडली खेल रहे हो तो भाई इस मैच में नूर को ट्राई कर सकते हो, या फिर 4-5 मेंबर से ज़्यादा की लीग भी खेल रहे हो क्योंकि वो बंदा ओपन करेगा। लास्ट में 4 रन पे आउट हो गए, उससे पहले 48 रन इन्होंने करे थे, 12 रन करे, 6 रन इन्होंने करे, 1 रन करे, 30 रन करे, आप देख सकते हो एवरेज परफॉर्मेंस रहा है, लेकिन मुझे लगता है आप इनके ऊपर रिस्क लेके चल सकते हो अगर आप चलना चाह रहे हो तो, क्योंकि ये बंदा ओपन करेगा, रन करके दे सकता है। मैं भी कॉन्फिडेंस में हूँ कि मुझे इनको लेना है, लेकिन अभी नहीं रख रहा, टॉस के बाद अपडेट कर दूंगा आपको कि रखना है नहीं रखना है टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम पे जुड़ जाना, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फटाफट से जुड़ जाइए। ये बंदा आपके लिए इस मैच में ट्रंप प्लेयर हो सकता है दोस्तों।
यू हैदर के बारे में अगर हम बात करें यार, बैटिंग ऑर्डर नंबर 6 पे हो जाता है, थोड़ा नीचे हो जाएगा। लास्ट रन में 5 रन करे, उससे पहले 17 रन करे, 21 रन इन्होंने करे, 26 रन करे, फिनिशर के रूप में ही खेलते। अगर आप इनकी टीम के टॉप ऑर्डर के प्लेयर को ड्रॉप कर देते हो, जैसे खलीज शाह हो गए, चिराग सूरी हो गए, तो आप इनको ट्राई करके चल सकते हो। बाकी कोई खास ऑप्शन नहीं है फिलहाल, मैं 2 बैट्समैन को लेकर चल रहा हूँ। ऑलराउंडर के बारे में बात करें, फरीद का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, नंबर 3 पर बैटिंग करते। लास्ट रन में 13 रन इन्होंने करे थे दोस्तों, उससे पहले अगर मैं बात करूँ 39 रन इन्होंने करे, 34 रन करे, 0 रन करे, 2 रन करे। वहीं रीसेंट के 5 मैचेस के बारे में बात करें तो 5 ही विकेट इन्होंने बॉलिंग से भी निकाले थे। अच्छे ऑलराउंडर है, कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो। इरफान नंबर 4 पे बैटिंग करेंगे, हालांकि लास्ट रन में जल्दी आउट हो गए 6 रन पे, उससे पहले 28 रन इन्होंने करे, 75 करे, 7 रन करे, 0 रन करे। रीसेंट के 5 में से 4 मैचेस में बॉलिंग करवाते हुए 6 विकेट भी इन्होंने निकाले, एक अच्छे ऑप्शन आपके लिए बन जाते हैं, आप इनको भी अपनी टीम में रख सकते हो। सक्सेना के बारे में अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इनके कई बार ओवर वैसे कट जाते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखना। और रीसेंट के अगर आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पे 4 मैचेस सिर्फ 1 ही विकेट अभी तक निकाल पाए, थोड़ा सा अभी जो फॉर्म है वो डाउन सा रहा है। आप ट्राई कर सकते हो अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करती है तो। एम्बुटा के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, बैटिंग ऑर्डर आपको नीचे नज़र आएगा। बॉलिंग के बारे में अगर हम बात करें, परफॉर्मेंस के बारे में किस टाइप का इनका परफॉर्मेंस रहने वाला है, रीसेंट के अगर आप 3 मैचेस देखोगे तो सिर्फ 2 विकेट अभी तक निकाल पाए, पहले तो काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे थे, अभी थोड़ी सी फॉर्म जो है इनकी डाउन जरूर रही है दोस्तों। अफजल खान के बारे में अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में, किस टाइप का इनका परफॉर्मेंस रहने वाला है, बैटिंग ऑर्डर नीचे रह जाएगा। लास्ट रन में 7 रन करे, उससे पहले 25 रन करे, यहाँ पे फिर 7 रन करे, अगेन 7 करे, 2 रन करे। रीसेंट के 6 मैचेस में सिर्फ 3 विकेट निकाले, कई में तो पूरे ओवर भी नहीं करवाते दोस्तों, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। आप ट्राई कर सकते हो, एक अच्छे ऑप्शन ये भी बन सकते हैं। एफ खान के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, बैटिंग ऑर्डर तो देखो काफ़ी नीचे रह जाता है, मेन चीज़ बॉलिंग है। बॉलिंग से लास्ट रन में 1 विकेट निकाले, रीसेंट के 6 मैचेस में अभी तक 3 विकेट ये निकाल चुके हैं दोस्तों। मैं इनको ट्राई करना चाहूँगा दोस्तों इस मैच में, क्योंकि डेथ में भी ये कभी कभी बॉलिंग करवा लेते हैं। अमीन नंबर 5 पे बैटिंग करते, लास्ट रन में 9 रन इन्होंने करे थे दोस्तों, उससे पहले 16 रन करे, 27 रन करे, 4 रन करे, ये इनका परफॉर्मेंस रहा है दोस्तों, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बॉलिंग से वैसे कभी कभी इनके ओवर कट जाते, बाकी रीसेंट के 4-5 मैचेस में जो है 3-4 विकेट निकाले, इस मैच में मैं इनके ऊपर रिस्क लेके चल रहा हूँ दोस्तों। मनोज के बारे में बात करें, रिस्की प्लेयर है, इनको आप ड्रॉप कर सकते हैं, 4 मेरे ऑलराउंडर रहेंगे। बॉलिंग में आपके पास अकीफुल्ला खान का एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। अकीफ राजा ओपन डेट में बॉलिंग करवाते, हालांकि लास्ट मिनट में तो देखो कोई विकेट नहीं निकाल पाए, लेकिन रीसेंट के 5 मैचेस में 3 विकेट अभी तक इन्होंने निकाले। जैड खान लास्ट मैच खेले नहीं थे, ये मैच खेलेंगे तो हम जरूर ट्राई कर सकते हैं। बाकी एच देसाई का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, ओवर कटने के वैसे हाई चांस रहते, रीसेंट के 5 मैचेस में अभी तक 3 विकेट इन्होंने निकाले हैं दोस्तों। बिलाल के बारे में अगर हम बात करते हैं, लास्ट मैच में 2 ओवर डाले, काफ़ी महंगे साबित हुए, विकेट नहीं मिल पाया। रीसेंट के 5 मैचेस में 3 विकेट निकाले, और वो 3 विकेट एक ही मैच में आए था, उसके अलावा 4 मैचेस में फ्लॉप ही गए थे एक तरीके से। तनवीर लास्ट मिनट में कोई विकेट नहीं निकाल पाए, रीसेंट के 5 मैचेस के बारे में बात करें, 2 विकेट इन्होंने निकाले, बट ये एक अच्छे बॉलर है, डोमेस्टिक वगैरह जो पहले खेल कर आए थे उनमें भी रिकॉर्ड शानदार रहा था, आप ट्राई कर सकते हो। रोहित खान एक और मस्त ऑप्शन जो ओपन डेट में आपको बॉलिंग करवाते हुए नजर आ सकती है, विकेट टेकर बॉलर है, इनको जरूर ट्राई करिए। रीसेंट के 5 मैचेस में 5 विकेट इन्होंने निकाले हैं। फिलहाल मैं रोहित को तो रखूंगा, अकीफुल्ला खान एक अच्छे ऑप्शन होने वाले, जिनको आप इस मैच में अपनी टीम में रख सकते हो। और यहाँ से तनवीर को लेके चल सकते हैं। कैप्टन और वाइस कैप्टन, अगर आप स्मॉल लीग वगैरह खेल रहे हो तो फरीद और इरफान बेस्ट और सेफ ऑप्शन होने वाले हैं। अगर आप ग्रैंड लीग में थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो, जिनके ऊपर रिस्क लेके चल सकते हो, तो मैं बोलूँगा भाई चिराग सूरी के ऊपर आज के मैच में आप रिस्क लेके चल सकते हो। बाकी अभी तो मैं इन दोनों के साथ ही जा रहा हूँ। फिलहाल ये हमारी टीम का प्रीव्यू, आप देख सकते हो, आप इस टीम के साथ यार कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी फाइनल टीम टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा दोस्तों, लिंक आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों। साथ ही साथ में अगर देखो यार वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए करो यार।